जबलपुर विवाह समारोह के दौरान विवाद की घटना सामने आई है, जिसमें लौटते समय दो युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में रोहित अग्रवाल व उसके दो साथियों के साथ आशीष विश्वकर्मा नामक युवक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके उपरांत शादी समारोह से लौटते वक्त रोहित अग्रवाल, आकाश वाजपेयी व चंद्रभान पर विवाद करते हुए आशीष विश्वकर्मा एवं सुशील विश्वकर्मा ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे रोहित अग्रवाल के गले व सीने में चाकू से गंभीर घाव हो गए। साथ ही आकाश व चंद्रभान भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आशीष विश्वकर्मा एवं सुनील विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। ये कल रात्रि की ये घटना है, थाना संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की घटना है। एक शादी समारोह में रोहित अग्रवाल और आशीष विश्वकर्मा, इन दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आशीष विश्वकर्मा और उसका भाई है सुशील विश्वकर्मा, इन दोनों के द्वारा चाकू से रोहित अग्रवाल के ऊपर वार किया गया था, जिससे वो उसको चोटें आई थी। इसके साथ ही साथ जो बीच बचाव किया था आकाश वाजपेयी और चंद्रभान सिंह, इनको भी कुछ चोटें आई हैं। उसमें रिपोर्ट होने पर थाना संजीवनी नगर में धारा 307 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों ही आरोपी आशीष विश्वकर्मा और सुशील विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर।